नया चैप्टर शुरू करते हैं डिटरमिनेंट्स। देखिए पिछले चैप्टर में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा और मेनली मैट्रिसेस का यूज किया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में। जैसे फॉर एग्जांपल a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2, इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 वेरिएबल्स x y इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स कंटेनिंग c1 c2। यहां से मैट्रिसेस का यूज करते हुए हमने वेरिएबल्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहां कुछ नया नहीं कर रहे हैं आप, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप प्रीवियस क्लासेस में भी सोल्व कर चुके हैं, 9th में भी थी आपके, 10th क्लास में भी थी। 10th क्लास में आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3, वहां भी आपने इनको सोल्व किया था। और एक टेबल आपने याद की थी, मैं वो टेबल आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो टेबल है जो आपने 10th क्लास में देखी थी। अब इस टेबल में देखिए आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है a1 a2 b1 b2 और इस रेशियो की हेल्प से आप डिटरमाइन करते थे कि जो लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया, इसलिए कि हम यहां भी कुछ नया नहीं करने वाले हैं। मैट्रिसेस में आपने इस तरीके से लिखते हुए वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की और वो वैल्यूज यूनिक होंगी या नहीं वो आपको इस नंबर से पता चलेगा। किस नंबर से? a1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 कंपेयर किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, सो a1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 a2, साइड्स चेंज कीजिए आप, a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये जो नंबर आया था आपके पास, इससे आपको पता चलता था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं। इस नंबर को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ ये एसोसिएटेड है आपका इस मैट्रिक्स से और इसको लिखेंगे हम DETA, बट पढ़ेंगे ऐसा नहीं, पढ़ेंगे हम इसको हमेशा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके और भी नोटेशन है, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए को आप यूं भी लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ना कि मॉडुलस। अगर इसमें ये मॉडुलस का साइन होता है वैसे तो, बट अगर इसमें मैट्रिक्स है तो हम इसको क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटरमिनेंट को आप एक छोटे ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो तीन ये नोटेशन है जो हम डिटरमिनेंट के लिए यूज करेंगे। डिटरमिनेंट है क्या, एक मैट्रिक्स का यूनिक नंबर, एक मैट्रिक्स से ऑब्टेंड यूनिक नंबर। और एक्चुअली में वो है क्या, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं उसके बारे में बताता है ये नंबर हमें। सो ये रिलेटेड है आपके 10th क्लास से भी, गॉट इट। अब आ जाते हैं हम डिटरमिनेंट की डेफिनेशन पे। सो डेफिनेशन क्या है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट ए नंबर, दैट नंबर कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, डिपेंड करेगा कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है, ठीक है। सो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी उसका डिटरमिनेंट भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वेयर ए आई जे आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको आप एक नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं और उस नंबर को हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट
फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप फंक्शन की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक सेट है कंटेनिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस हो गई आपकी ए बी सी, ठीक है, और ये कोई दूसरा सेट है मेरे पास कैपिटल के जिसमें नंबर्स हैं 2, 4, 6, ठीक है। सो एक फंक्शन फ्रॉम एम टू के आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू स्मॉल के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एफ ऑफ ए अगर मैं पुट करता हूं, मैट्रिक्स ए अगर आपकी एसोसिएटेड है इस नंबर से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 4। तो मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर आपने प्रोवाइड कर दिया। तो इसको आप एक फंक्शन की तरह भी समझ सकते हैं जिसमें दो सेट हैं आपके पास, एक सेट कंटेनिंग मैट्रिसेस और दूसरा सेट कंटेनिंग यूनिक नंबर्स, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स है वो एक यूनिक नंबर से ही एसोसिएटेड होगी, कहने का मतलब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का एक ही वैल्यू होगी, डिफरेंट वैल्यूज नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई मैट्रिक्स सी है जिसका डिटर्मिनेंट 2 भी है और उसका डिटर्मिनेंट 6 भी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट भी 4 है और मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट भी 4 है। यहां यूनिकनेस से मतलब क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएट होगी सिर्फ एक नंबर से जिसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। तो ए का भी एक डिटर्मिनेंट है 4, बी का भी डिटर्मिनेंट है 4। एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट वैल्यूज नहीं होंगी किसी भी मैट्रिक्स की। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ कि आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स है आपकी ए मैट्रिक्स जिसमें कंटेनिंग एलिमेंट्स ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे जिसको लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर सिंबल यूज करते हुए तो मॉडुलस नहीं बोलेंगे इस केस में, क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बोलेंगे, या फिर स्मॉल ट्रायंगल, और वो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होगा किसके, ए बी सी डी, ठीक है। डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम दिस मल्टीप्लाई दिस ए डी माइनस सी बी और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वैल्यू आ जाएगी उस नंबर की, ठीक है। तो नोटेशन जो है वो मैट्रिक्स ए है, ए है आपकी ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के लिए नोटेशन हम ये यूज कर सकते हैं, हम ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। आपके सिलेबस में जो है वो ऑर्डर 3 तक की ही मैट्रिसेस हैं और ऑर्डर 3 तक के ही डिटर्मिनेंट्स हैं। सो अगर ऑर्डर 1 की आपकी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें कोई एक ही सिंगल एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट जिसको हम डिटर्मिनेंट ए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये वो वैल्यू हो जाएगी आपकी ए ही इटसेल्फ, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास जिसमें जो कि ऑर्डर 2x2 की, ये 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई आपकी और ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ये ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और ये वैल्यू आपके पास आएगी ए डी माइनस सी बी, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये देखने के लिए आपको फिर 10th क्लास जाना पड़ेगा। 10th क्लास में जो लीनियर इक्वेशंस थी आपकी शुरुआत में जो मैंने आपको समझाई, लीनियर इक्वेशंस 10th क्लास में a1x b1y a2 plus b2y a2x plus b2y, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा या नहीं वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस नंबर को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। ये जो रेशियो है ना इनके कॉन्स्टेंट्स का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करते थे, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होता था। यहां से ये वैल्यू आई कैलकुलेट करके, गॉट इट। तो ये ऑर्डर 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। अब बात आती है ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की, तो ए बी सी
डी ई एफ जी एच आई, ये एक थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपके पास और इसका डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। या मोर जनरल वे में अगर आप इस इक्वेशन को लिखें, इस मैट्रिक्स को लिखें, तो जनरल वे में आप यूं लिख सकते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, ऐसे लेते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो आपके पास गिवन है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि इसमें तीन रो हैं आपकी, एक दो तीन, और तीन ही कॉलम हैं, तो 6 वेज हैं जिनसे आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा सभी में, गॉट इट? तो मैं एक कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कि चलिए आपको इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक है, देखते जाइएगा। एक्सपेंड कैसे करेंगे कि जो एलिमेंट फर्स्ट है इस रो का A31 उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो -1 to the power 3+1। जर्नल फॉर्म में अगर मैं ये लिखूं तो ये इस तरीके से आएगा ए आई जे -1 to the power i+j। अब ये वैल्यू i प्लस जे की वैल्यू अगर इवन आएगी तो ये प्लस वन हो जाएगा और ओड आएगी तो माइनस वन ही रह जाएगा। मल्टीप्लाई में इसमें क्या करेंगे कि जो i और j की वैल्यू है, जैसे इस केस में 3 और 1 है, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हम इसमें हटा देंगे, तो बाकी क्या बचा? बाकी ये मैट्रिक्स बची आपके पास। ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हम इसमें से हटा देंगे। ठीक है, क्यों हटा देंगे? क्योंकि वो ये जो एलिमेंट लिया हमने कौन सी रो का, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसमें जो थर्ड रो है आई और जे की वैल्यू जो है वो 3 और 1 है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हम हटा देंगे। बाकी जो मैट्रिक्स बची वो 2x2 ऑर्डर की हो गई, और 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करना जानते हैं, यहां हमने किया है। ठीक है, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ। देखिए, यहाँ लिखता हूं मैं A12 A13 and A22 A23। Got it? तो ये आपका एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिख देता हूं मैं, जैसे यहां भी लिख देता हूं इसको मल्टीप्लाई में कैलकुलेट करने के बाद, ये कितनी वैल्यू आई, A12 multiply A23 minus A22 multiply A13। Got it? Next, plus, अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे जो कि है A32। सो A32 माइनस वन, अगेन वही 3+2, और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे किसका, 3-2 यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम जो है उसको हटा देंगे। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटा देंगे, ये मैं यही कैलकुलेट करता हूं। तो A11 multiplied A23, ये लिखा यूं जाएगा, जैसे मैं साइड में लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं A11 ये और ये A13 और A21 A23। ठीक है, सो A11 A23 माइनस A21 A13, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अभी एक एलिमेंट और बचता है आपका इसी रो में, वो कौन सा है, A33। फिर से वही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में आएगा, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 whole power 3+3, और डिटरमिनेंट किसका, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटा दो आप, तो बचा आपके पास ये मैट्रिक्स। एक मिनट, मैं इसको अलग से लिखता हूं एक बार, A11 थी आपकी ये मैट्रिक्स, तो अब लिखता हूं दोबारा से, ये मैट्रिक्स बचेगी आपके पास। सो
A11, A22 माइनस A21, A12। ये डिटरमिनेंट होगा आपका। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, सो यहां मैं भाई लिख देता हूं, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन फोर होता है, फोर इवन है तो माइनस वन की जगह प्लस वन आ जाएगा। सो A31 इंटू दिस होल वैल्यू, सो A31 मल्टीप्लाई A12 मल्टीप्लाई A23 माइनस A31 A22 A13। दो वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है जी। यहां देखिए, यहां A32 है और माइनस वन टू दी पावर थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस वन पावर फाइव, माइनस वन ही रह जाएगा, यानी ये वैल्यू हुई आपकी माइनस A32। सो माइनस A32 से मल्टीप्लाई करना है आपको इस प्लस वैल्यू को, सो माइनस A32 A11 A23 और माइनस माइनस बिकम्स प्लस A32 A21 A13। ये वैल्यूज आ गई आपके पास, गॉट इट। सो नेक्स्ट प्लस माइनस वन, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स इवन नंबर है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सो A33 A33 A11 A22 माइनस A33 A21 A12। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी आपकी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स की। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के एक्सपेंड करते हुए फाइंड आउट करें आप, आपके पास वैल्यू यही आएगी। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं आपको, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर मैट्रिक्स आपकी ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, पहले दो कॉलम्स दोबारा लिख लीजिए, A11 A21 A31 A12 A22 A33, पहले दो कॉलम आपने दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यू आती जाएंगी वो लिखते जाएंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, क्या आएगी वैल्यू, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू A11 A22 A33 प्लस, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, A12 A23 A31 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास A13 A21 A32। अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, किन का मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का। देखिए, लास्ट कॉलम का एलिमेंट लिया है मैंने और तीन से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। सो माइनस A13 A22 A31 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो हो जाएगा माइनस A11 A23 A32 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, वो हो जाएगा A12 A21 A33। और चेक कर लीजिए ये रिलेशन और जो इससे पहले आपने फाइंड आउट किया ये रिलेशन, दोनों सेम है। यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉलम और रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके फाइंड आउट करना तब आसान रहता है जब किसी एक रो या कॉलम में ज्यादा जीरो है, ठीक है। जैसे दो जीरो है और एक ही वैल्यू उसमें है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने से ही आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी और सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ट्रिक है ही आपके पास। अब एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 2 2 4 0 और एक मैट्रिक्स बी है आपके पास जो कि 1 1 2 0। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए इज 2 टाइम्स बी,
अब क्या करते हैं, हम इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू वो कितना होगा, 2 × 0 0 −4 × 2 8। ठीक है जी, ये अलग है भाई। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 − 1 × 0 0 −2 × 1 −2। अब डिटरमिनेंट की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 × −2, और 4 × −2 मतलब 4 × डिटरमिनेंट ऑफ बी। गॉट इट? यहां से एक रिलेशन आता है आपके पास निकल के। देखिए मैट्रिसेस आपके पास जो थी वो 2 × 2 ऑर्डर्स की थी, 2 × 2 ऑर्डर्स की थी। सो 2 to the power 2 मैट्रिक्स बी, 2 to the power 2 मैट्रिक्स बी। इन जनरल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है सच दैट ए इज के टाइम्स बी, ए इज के टाइम्स बी, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू k to the power n मल्टीप्लाइड डिटरमिनेंट ऑफ b। यहां k जो है वो तो ये मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर है, और जो n है वो ऑर्डर है, n इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस हैं आपके पास जिनको आपने कंपेयर किया है, अब वो दोनों मैट्रिसेस का सेम होगा क्योंकि ये रिलेशन आपको गिवन है, एक स्केलर मल्टीप्लाइड ही है और बाकी ऑर्डर जो मैट्रिसेस हैं वो आपकी इक्वेट कर रखी हैं, इसका मतलब इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सो ये रिलेशन होल्ड करेगा हमेशा, इसको भी ध्यान रखिएगा। एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको एक डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है जो कि 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। सो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 2 × 2 = 4 −1 × 4 −4, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो 4 + 4 = 8। सेकेंड एग्जाम्पल है, उसमें भी आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। सो 2 × 2 ऑर्डर का है तो सिंपली हो जाएगा, क्या आएगा, x² − x + 1 − x − 1। सो x² − ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 1 x − 1 = x² − 1। ओके, सो x² − x² + 1 ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू बच गई आपकी 1। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल में आपको एक डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। अब रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंशन हम करते हैं वो यहाँ करने में हमें फायदा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड कॉलम है आपका, उसको देखिए उसमें 2 0 है, तो अगर इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करता हूं तो मुझे बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस कॉलम 3 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करने में हमें क्या चाहिएगा, ये अगर हमने कंसीडर किया a11 a12, सो a13, ये वैल्यू हो जाएगी a13। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, सो a13 की वैल्यू 4 है, −1 to the power a13 यानी 1 + 3, और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे फिर 2 by 2 की, और वो कौन सी होगी, इसको और इसको कैंसिल करने से आएगी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। सो डिटरमिनेंट किसका फाइंड आउट करना है, −1 3 4 1, ये 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। ठीक है जी, ओके, −1 to the power 4 तो +1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लीकेशन में है ही, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, −1 × 1 − 1 −4 × 3, वेल सो 4 × −13, सो −52, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां देखिए बहुत सा एक्स्ट्रा काम करने से आप बच गए, क्योंकि ट्रिक भी यूज करते हैं तो आपको जो कॉलम है C1 और C2 कॉलम है वो दोबारा लिखने पड़ते हैं और कैलकुलेशंस करनी पड़ती। अगर आप किसी और रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते तो भी आपको कैलकुलेशंस ज्यादा करनी पड़ती। तो ये आप किसी भी कॉलम और किसी भी रो
के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा, तो वो रो और कॉलम चूज कीजिए जिसमें जीरो ज्यादा हो। फोर्थ एग्जांपल देखिए, आपको डिटरमिनेंट इवेलुएट करना है। अब इसमें किसी एक रो में या कॉलम में ज्यादा जीरो नहीं है, तो इसको आप किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं, या फिर जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। तो ट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम वन और कॉलम टू को दोबारा लिखना पड़ेगा। सो कॉलम वन लिखता हूं मैं जीरो माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, और कॉलम टू हो गया आपका साइन अल्फा जीरो माइनस साइन बीटा। अब एक्सपेंड कर दीजिए इसको। सो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो आपको मिलेगा जीरो जीरो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। सो साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा ये वैल्यू मिल गई। दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। सो कोस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा मल्टीप्लाई दिस, सो प्लस माइनस ऑफ कोस अल्फा, सो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। सो पहले ही नेगेटिव लिख लेता हूं, यहां प्लस की बजाय माइनस ही लिख लेता हूं, माइनस कोस अल्फा, क्योंकि तीन बार माइनस है ना, कोस अल्फा में माइनस है, साइन अल्फा में माइनस है और साइन बीटा में माइनस है। तो कोस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, गॉट इट। अब देखिए जो सब्ट्रैक्ट करना है हमें वो शुरुआत करते हैं। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन पहले क्या आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ माइनस कोस अल्फा इंटू जीरो इंटू जीरो कोस अल्फा, तो वो सारा ही जीरो हो गया, ठीक है जी, छोड़ो झंझट खत्म हुआ। ओके, सेकंड केस में जीरो से ये मल्टीप्लिकेशन वो भी जीरो हो गया, छोड़िए वो भी नहीं करना। थर्ड केस में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और वो भी जीरो से मल्टीप्लाई, वो भी खत्म हो गया, ठीक है जी, आपका आंसर यही बच गया। इसको ही थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी आई, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, वो भी कैंसिल आउट हो गए, तो डिटरमिनेंट आपका आया जीरो। एग्जांपल फिफ्थ देखिए, यहां डिटरमिनेंट की को यूज करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिड दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिस डिटरमिनेंट, दोनों डिटरमिनेंट इक्वेट किए गए हैं और दोनों सेम ऑर्डर के हैं। सो करते हैं हम कैलकुलेशन। ओके, थ्री इंटू वन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, थ्री इंटू वन थ्री माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री इंटू वन थ्री माइनस फोर टू एट। सो थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एट आ गया आपके पास, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू रूट टू आ जाएगा, सिंपल आंसर। ओके,